जा रही थी कानपुर, हाँ जा चिल्ला रही थी कुछ रहे थे। बोलो। आप लोग ने सपोर्ट करो और का लाइक करो वीडियो। तुम लोग धमकी देना बंद करो, तुम लोग तो हमें धमकी दे ही के रह गए। जैसे और इनने कहा कमेंट करो, शिवानी की बुराई मत करो नहीं तो जहाँ है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ फिलहाल में। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे और उसमें बहुत कमेंट आ रहे हैं, कमेंट अच्छे भी आ रहे हैं और बुरे भी आ रहे हैं। आप लोगों ने अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो ब्लॉग देख लो जाके, क्योंकि हम जब से शिवानी दीदी के यहाँ से गए हैं तब से लोग ना बिल्कुल हमें या समझ चबा दे रहे हैं, कमेंट के ऊपर कमेंट, कमेंट के ऊपर कमेंट। जैसे ना हमने शिवानी दीदी को कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत बोल दिया हो, ऐसे लोग हमें बोल रहे हैं। हमने उनको कुछ गलत नहीं बोला है, और ये भी नहीं बोला कि वो मिलती नहीं है, अच्छी नहीं, ये तो हमने कुछ बोला नहीं है। फिर आप गाइस, मैंने इतना ही तो बोला था कि शिवानी दीदी के यहाँ गए थे और वो जो चीज़ उन्होंने की थी बस वही चीज़ तो हमने दिखा दी, और तो हमने कुछ उसमें बोला नहीं है। जो आप लोग ऐसे बोल रहे हो फालतू के कमेंट, हमने एक ब्लॉग भी डाल दिया है, इतने ज़्यादा हम परेशान हो गए थे उस दिन, फिर भी आप लोगों को इन्हें एक भी शर्म नहीं आ रही कि किसी के वीडियो पर ऐसे कमेंट ना करे जाके। काफ़ी लोगों ने तो इतने अच्छे कमेंट किए हैं कि मतलब एक हिम्मत बन गई है कि इन लोगों की वजह से वीडियो बनाना थोड़ी ना बंद कर देंगे, इन फालतू के लोगों की वजह से। ऐसे अगर लड़कियां हार मानने लगी फिर क्या होगा। लेकिन आप लोगों के जो अच्छे कमेंट आए थे उनको हम बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो गाइस, एक भैया ने इसमें कमेंट किया, खुद ही आगे बढ़ो, कमेंट करने वाले कमेंट करते रहते हैं, आप आगे बढ़ो। तो बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा हमें कि भैया ने कम से कम इतना अच्छा कमेंट तो किया है। और एक कमेंट किया संगम कुशवाहा, टेंशन मत लो दीदी, लोगों का काम है बोलना, आप मेहनत करो बस, फुल सपोर्ट है मेरा, थैंक यू। और एक भैया ने कमेंट किया है, बहन आप बहुत अच्छी हो, भगवान आपको खुश रखे, मेरी दिल से दुआ है, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। कमेंट ऐसे करो कि पढ़ने में भी अच्छा लगे और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगे, ना कि ऐसे वीडियो करो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। एक भैया ने कमेंट किया है, देखिए किसी की बुराई करके वीडियो मत बनाओ, अगर वो खुश है तो बनाओ, अगर गुस्सा में है साथ में वीडियो मत बनाओ, और क्योंकि वहाँ पूरे दिन में हजारों लोग जाते हैं, सभी के साथ वीडियो नहीं बना सकती। देखो भैया, हमें भी पता है वहाँ पे हजारों लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं तो रोज़ रोज़ थोड़ी ना जाते हैं, जाते तो एक ही दिन है, हमें भी पता है। और हमने ये तो कहा नहीं है कि हमसे मिली नहीं है, ये तो हमने कहा ही नहीं है वीडियो में कि हमसे मिली नहीं है या। और मैं आज भी कहती हूँ कि वो अच्छी हैं मेरे लिए और अच्छी रहेंगी, हम सपोर्ट करते हैं शिवानी दीदी को और सपोर्ट करते रहेंगे, यहाँ तक कि जब से वो टिकटॉक में थी तब से उनके हम वीडियो देख रहे हैं, उनको तब से सपोर्ट कर रही हूँ मैं। और जो लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस में तुम तुम्हारा सपोर्ट ही कर रही थी, मिले कि ना मिले, मिल गई, घर जा रही थी कानपुर, हाँ जा रही थी, कुछ बोलो। आप लोग ने सपोर्ट करो और का लाइक करो वीडियो। हाय सब, हम जा रहे हैं शिवानी दीदी से, बहुत अच्छा लगा मिलके, ये लोग अपना ब्लॉग बना रही हैं हमारा। बाय। इंस्टाग्राम पर जो हमारे फ्रेंड लोग हैं वो लोग जानते होंगे कि सपोर्ट हम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि जब वो बिग बॉस से निकाल दी गई थी तब भी हम रोए थे समझ लो। और ना यकीन है तो वीडियो देख लो ना, एक दीदी है इतना ही ज़्यादा ओवर बोल रही है, हम कमेंट पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ओवर। अरे तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वीडियो में मत देखो, जरूरी थोड़ी ना है कि फिर गलत कमेंट करो। अंजू सिंह, इनके बहुत गंदे कमेंट आ रहे हैं, हर एक कमेंट गंदा है। सपोर्ट करती हो इसका मतलब है सिर पर चढ़ के बैठोगी क्या? सपोर्ट करने वाले कभी बदनामी नहीं कर सकते हैं, तुम कर रही हो, हमने शिवानी की तो बदनामी की ही नहीं है, ये बिल्कुल पागल हो गई है हमें लगता है। क्या हमने शिवानी दीदी की उसमें बदनामी की है? हम मिलने का खाली दो ही बात तो बोल दी, इसमें क्या उनकी बदनामी होगी? या मैंने उनको गाली दी है, या फिर ये मैंने बोला कि वो घमंडी है, मिलती नहीं है किससे, मेरे यहाँ की हैं फिर भी हम उनको बदनामी करेंगे? कमेंट करने से पहले कुछ सीख लिया करो, फालतू में कमेंट करने चली आती हो। और एक इसमें ये कमेंट करने आए हैं, बूढ़े हैं, दद्दा हैं बिल्कुल, लेकिन फिर उन्हें ही कमेंट करवे की वो है। इनने कहा कमेंट करो, शिवानी की बुराई मत करो नहीं तो जहाँ है। पहले बात इनकी लैंग्वेज देख लो, पूरे बूढ़े हैं पूरे, या समझ लो बाप समान है राजपाल सिंह, लेकिन तुम्हें कमेंट करने की तमीज नहीं है, जहाँ है वहाँ भी नहीं रहेगी, रहोगी। अपने अपने दम पर डाल क्योंकि झूठ बोल रही है।
तो मैं बहुत दिखा रहा हूँ, झूठ बोला था, हम गए थे हमें पता है। तुम लोग धमकी देना बंद करो, तुम लोग तो हमें धमकी दे ही के रह गए, दे ही के रह गए। जैसे बहुत बड़ा हमने गुनाह कर दिया हो, जैसे एक आदमी को हमने लाठी मार दी हो, तुम लोग तो हम बिल्कुल चबा दे रहे ऐसे, का गलत हमने कर दो बताओ। छोड़ो कमेंट पढ़ गए तो या समझ लो पूरा मूड खराब ही हो जा रहे, तो अच्छो खासो मूड होते और कमेंट पढ़ लेते तो पूरा मूड खराब हो जाए। हर लोग यही बात बोल रहे, शिवानी की बुराई ना करो शिवानी। अच्छा अगर सही से ब्लॉग देखा वो लोग बताएं हमें कि हमने इसमें शिवानी की बुराई क्या की है, हमने उनसे कुछ भी नहीं कहा है। और हम जब आ रहे हैं ना वहाँ से लौट के शिवानी दीदी के यहाँ से, तब भी हम यही बात कर रहे हैं कि शिवानी दीदी अच्छी हैं, अच्छे से मिली हैं, तो मतलब दिखाई नहीं दे रहे हो। खाली उन्होंने ये बात बोली है कि किन से इजाज़त ली थी, वही चीज़ हमने दिखा दी, तो इसमें हमने बुराई कर दी क्या? कोई दया लगत कि बिल्कुल वीडियो बनाई वो बंद कर दे क्या मारे, तुम लोग जियन ना दियो हमें, हमें ऐसा लग रहा हो तुम लोग नई वीडियो बना दियो। और आज जन्माष्टमी थी, सोच रहे थे आज का अच्छा ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन बनाए गया पहले इन तुम्हारी लोगों से निपट लें हम, ये कमेंट ही वाले थे। कमेंट वाले के एक बात हम ध्यान से बता दे रहे, अगर हमारी वीडियो पे जिनने भी फालतू को कमेंट करो ना, अगली बार ये समझ लो हम बिल्कुल सबको दिखाएंगे कौन कैसा है, ठीक है? उस अगर हमारी वीडियो पे कमेंट करने हैं तो अच्छे कमेंट करो, गलत कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तीन सबरे कमेंट देखे हैं, जिनने गलत करी ना तो उसको हम फिर बताइए खूब। अच्छा हम इतना रोए कि पहली बार लाइफ में मेरे में वीडियो में ऐसे गलत कमेंट आ रहे। अरे शिवानी के यहाँ चले क्या गए तुम लोगों ने तो बिल्कुल। अब बस यही रह गया है कि खुद से मेहनत करो, किसी के जाने से मिलने से कुछ भी नहीं होता है। अगर खुद से मेहनत करोगे तो ज़रूर ऊपर वाला सुनेगा, और इधर उधर घूमने से कुछ भी नहीं होता है। तब की पहली बात तो हम कहीं घूमने भी नहीं जाते हैं। एक देखो कोई भी अगर किसी के इंसान से मिलने जाता है ना, कोई भी स्टार हो कोई भी हो तो मिलने जाता है, तो एक खुशी होती है कि देखो हम शिवानी दीदी से मिलने जा रहे हैं, ठीक है? और अगर कोई हमसे पूछ दे कि कहाँ से हो आप, तो हम पहले नंबर ये नहीं बताते कि हम औरैया ज़िले से हैं, हम यही बताते हैं शिवानी कुमारी जहाँ से हैं वहीं से हम भी हैं। हमें खुद इतना अच्छा लगता है कि कोई हमारे यहाँ की कोई इतनी अच्छी फेमस लड़की है और उसी के नाम से हमें लोग जानने भी लगे हैं। अगर कह देना कि कोई पूछता है वहाँ से हो, हम कह देते हैं शिवानी कुमारी के यहाँ से हैं, कितना हमें खुद गर्व होता है। लेकिन और उन्होंने अगर इतनी बात बोल भी दी कि मतलब किन से परमिशन ली थी, तब कि आप लोग देख रहे हो कि वो हंस रही हैं, वो गुस्से में नहीं है, गुस्से में बाद में हो गई हैं, जब उस लड़के के मतलब फ़ोन में उसने रिकॉर्ड कर लिया तब वो गुस्से में हो गई। वो खुद ही इतने अच्छे से मिल रही थी, नहीं हमें बुरा नहीं लगा, हमें भी थोड़ा बहुत बुरा लगा है कि उसमें हम थोड़े ब्लॉग में आ गए हैं, ठीक है? हमारी भी फैमिली देखती है और हमारे भी रिश्तेदार देखते हैं, गाँव के लोग देखते हैं, क्या सोचते होंगे, अरे सपना तुम आ गई थी, तुमसे तो शिवानी ने ऐसे बोला, तुमसे तो शिवानी ने ये कह दिया, तो मतलब हमें थोड़ी बहुत अंदर से शर्मिंदगी होती है। या फिर मेरे इतने फॉलोवर्स ना होते, या फिर मेरे फॉलोवर्स 2-3 हज़ार होता तो इतना नहीं भी लगता, लोग हमें भी जानते हैं, ठीक है? काफ़ी लोग हमें जानते हैं, हमें भी शर्म आई है क्योंकि मेरे भी 4 लाख फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर, हमें भी शर्म आ रही है कि लोग हमसे ऐसे बोल रहे हैं। तो आप लोग नहीं चाहते कि कोई लड़की आगे बढ़े, आप लोगों के कमेंटों की वजह से लड़कियां पीछे हट जाती हैं वीडियो बनाने से। काफ़ी लोग होते हैं जाते हैं गलत वीडियो पे कमेंट कर देते हैं जाते हैं, तो गलत कमेंट कर देते हैं तो घर वाले फैमिली वाले देखते हैं गलत कमेंट आ रहे हैं वीडियो में, वो वीडियो बनावाना बंद कर देते हैं। अगर आप खैर छोड़ो, लोग तो ऐसी फालतू की बातें करते ही रहते हैं, हमें अपने काम पर ध्यान देना है, आप लोगों के कमेंटों पर नहीं। अगर कमेंटों पर ध्यान देंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या पहली बात, किसी लड़की की बुराई करके क्या मिलेगा, हम भी एक लड़की हैं, अगर हमारे पास 50 लोग आए मिलने तो हम भी अपना घर का काम करेंगे कि लोगों से मिलेंगे। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत चिल्ला दिया तो क्या हुआ, बड़ी दीदी हैं क्या चिल्ला नहीं सकती हैं, थोड़ा बहुत चिल्ला देंगी तो क्या हो जाएगा, हमारा कुछ बिगड़ जाएगा? बस ये जो लोगों की सोच है ना वो बहुत गलत है, लोग जो सोच रहे हैं तुम्हें तो वहाँ से भजा दिया शिवानी दीदी ने, यही लोग कमेंट कर रहे हैं। मेन बात है ये भजाने वाली जो बात है ना, ये बहुत दिल पे लग रही है हमारे। मेरे घर में मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि हम वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाते थे, मेरी फैमिली हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, बस एक हमारी दीदी हैं जो मतलब हमसे बड़ी हैं और एक मेरा भाई है,
ठीक है। और मम्मी भी नहीं सपोर्ट करती थी, उन्हीं के शिवानी दीदी के वीडियो दिखा दिखा के मैंने मम्मी को बहलाया कि मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम लोगों को पता होगा कि गांव में आजकल कोई वीडियो नहीं बनाने देता अपनी लड़कियों के, फिर भी हम अपने गांव से वीडियो बनाते हैं। हमने एक तो अपने गाँव के ताने सुने, सबसे दूसरी बात अपने रिश्तेदारी के भी हमने ताने सुने हैं। रिश्तेदारी में भी काफ़ी लोगों ने हमें बोला है कि वो ऐसी है वैसी है, लेकिन आप लोग तो कम से कम ना बोलो, आप लोग तो ना ऐसे बोलो कि मतलब, बस इतना ही कहते हैं आप, कोई भी लड़की अगर आगे बढ़े तो उसे बढ़ने दो, गलत कमेंट करके आप नीचे उसे ना गिराओ। हम और यहाँ तक आने पर मैंने इतने ताने सुने हैं, शायद और कोई लड़की होती मेरे गांव की तो वीडियो नहीं बनाती। जितना हमने झेला है ना, हम ही जानते हैं। गांव में तो क्या होता है, अगर गांव में लड़ाई हो जाए ना तो सबसे पहले नंबर ये कहते हैं लोग, अपनी बिटिया को सुधार ले पहले, तेरी बिटिया तो यहाँ नाचती है, वीडियो बनाती है, नचन। ऐसे तो गांव में 3-4 घर ऐसे होते हैं जो फालतू के खाली मुंह चलाते हैं और जलते हैं, देख के जलते हैं कि हाँ ये आगे कैसे बढ़े। बाकी मेरे गाँव के बहुत अच्छे लोग हैं, सारे मेरे गाँव के लोग अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ब्लॉग हम अपना यहीं पर एंड करते हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और जो नए लोग हो ना तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।